सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ, सुबह कितने बज रहे हैं? 5:28। सो आई एम इन लाइव नाइट नाउ। मॉर्निंग का टाइम है, ठंडी बड़ी तेज़ी से है, ठंडी है, बस उसको फील करने निकले हुए हैं ताकि महसूस कर सके कि ठंडी कैसी होती है ना। तो आज मैं पूरा चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ, मास्क लगाया हूँ, अपने ब्रांड का कैप लगाया है, स्वेटर पहना हुआ है। वाह, फिर भी ठंडी अंदर तक घुस रही है धीरे धीरे। इससे महसूस होता है कि ठंडी का दबदबा बढ़ चुका है मार्केट में। सो ऐसे दबदबे से बचने के लिए आप सभी बचे रहें, क्योंकि जिस चीज़ का दबदबा होता है वो लोग मार्केट में हंगामा कर देते हैं। तो ठंडी का दबदबा काफ़ी तेज़ है, कोल्ड सीज़न महसूस हो गया इस साल। तो 3-4 साल बाद इतना ठंडी मेरे को लग रहा है, सबको लग रहा है। सो जस्ट फेसबुक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने फीलिंग्स को लोगों तक शेयर कर पाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं। सो ये बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी में ये बहुत ही एक खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपने आप को परफॉर्म कर सकते हैं। हम कितने भी बढ़िया प्लेयर हों, बिना मैदान के हम परफॉर्म नहीं कर सकते। हम कितने बढ़िया एक्टर हों, बिना प्लेटफॉर्म के परफॉर्म नहीं कर सकते। हम कितना भी बढ़िया डांसर हों, बिना प्लेटफॉर्म के परफॉर्म नहीं कर सकते, बिना स्टेज के परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आज सोशल मीडिया अपने आप में ही एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लोग अपने आप के, अपने लाइफ को, अपने आप को खुद भी एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हैं। हर इंडस्ट्री अपने अपने लेवल पे बहुत तेज़ी से लगी हुई है, उस इंडस्ट्री को ग्रो करने वाले लोग हैं। किसी भी सेक्टर में, किसी भी सेगमेंट में उसको अच्छा या बुरा करने वाले लोग ही हैं, जिनका इंटेंशन सही रहा, जिनको काम करने का तरीका अच्छा पता था, जिन्होंने काम करने का अच्छा प्रयास किया, नहीं भी पता था तो भी उन्होंने कुछ बेहतर, कुछ पॉजिटिव सोचा तो बेहतर करने का प्रयास किया, तो उसमें भी कुछ नया निकल करके आया, उससे हमारा जो फील्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग हुआ। अभी आप देख रहे हैं ठंडे ठंडे, इतना ठंडा लग रहा है तो हाथ भी बहुत टाइट हो गया स्मार्टफोन पकड़ते पकड़ते। सो लोगों ने प्रयास किया उस इंडस्ट्री को खूबसूरत करने में, कुछ लोगों ने गलत इंटेंशन लेकर के आए और वो लोगों ने भी इंडस्ट्री को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बेकार करने का प्रयास किया। तो इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि कोई भी चीज़ कहाँ तक जाएगी, है ना। आपका देखने का नज़रिया, अपना सोचने का तरीका, किस अराउंड, किस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, किनके साथ रहते हैं, वो किस टाइप का सोच रखते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप भी बन जाते हो और आप भी परफॉर्म करने लगते हो। मैं राइट, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो आप मुझे यस लिखें कमेंट में। सो बस यही सारी चीज़ें हैं, किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा हम इंसानी बनाता है। सो बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग, आप बेहतर बनोगे सोसाइटी ऑटोमेटिक बेहतर बन जाएगा। हमें किसी को सुधारना नहीं, पहले खुद सुधरना है, खुद अपने आप को बेहतर बनाना है। दूसरे को बेहतर बनने के लिए ना बोल करके उससे बेटर है कि हम बेहतर करें। सो डोंट गिव एक्सक्यूज देना बंद करें। बार बार हम ब्लेम देते हैं, ब्लेम गेम खेलते हैं कि मैं इसकी वजह से नहीं हो पाया, मेरे पास उसकी वजह से नहीं हो पाया, कारण हमेशा ब्लेम हम करते रहते हैं एक दूसरे पे। सो डोंट प्ले ब्लेम गेम, ब्लेम गेम ना करें किसी को। डू इट, टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ, बीट सेल्फ डिपेंडेंट। आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सब में नीचे कमेंट बता सकते हैं कि आप किस फील्ड में कुछ काम करके अपना एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, सोसाइटी की हेल्प कर सकते हैं, खुद की हेल्प कर सकते हैं। सोसाइटी की तो हेल्प बाद में करें, पहले खुद की तो हेल्प करें, बिकॉज जब आपके पास अपने लिए कुछ नहीं होगा तो आप समाज के लिए क्या करोगे। तो डू इट फॉर योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, डू इट फॉर योर फैमिली,
देन डू इट फॉर द सोसाइटी. सो दिस इज द थ्री स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू योर सेल्फ, देन योर फैमिली, योर रिलेटिव, देन यू विल डू फॉर द सोसाइटी. सो ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं? बिकॉज माई माइंड सेट, मेरा परसिप्शन है, मेरा एक परसिप्शन है जिस बेस पे मैं ये कह रहा हूँ. ये सबका नहीं हो सकता, मे बी कुछ लोग एग्री हों, कुछ लोग डिसएग्री हों. तो एक बात और है कि आप हर एक इंसान को खुश नहीं कर सकते. चलिए नीचे कर लेता हूँ. हर एक इंसान को आप खुश नहीं कर सकते. अगर हर एक को खुश करने का प्रयास करेंगे तो शायद अपनी खुशी खो देंगे. तो हर एक इंसान को आप खुश नहीं कर सकते, क्योंकि लोग तो आज भगवान से भी दुखी हैं, भगवान से भी नाराज़ हैं, जिन्होंने इस दुनिया में आपको आने का मौका दिया, वरदान दिया, तो लोग उनसे भी दुखी हैं. सो डोंट फील लाइक दैट, अदरवाइज ना ले किन्हीं बातों को. सो इसी के साथ रखता हूँ. हाथ बहुत ही कड़क हो चुका है, धीरे धीरे हवा लग रहा है, ऊपर से ओस की परतें गिर रही हैं, इस वजह से ठंडी तो है. तो बाय बाय, गुड IMC, जो भी IMC के एसोसिएट, IMC के टीम लीडर्स मुझे देख रहे हैं, और जो भी न्यू ऑडियंस जो IMC में नहीं है अभी तक, और जो IMC के कस्टमर या IMC के यूज़र, IMC के डिस्ट्रीब्यूटर, IMC के बिजनेस पार्टनर नहीं है, उनके लिए भी तहे दिल से गुड मॉर्निंग, गुड IMC. धीरे धीरे आ जाएगा ये कल्चर में. सो बी अ ब्रांड एम्बेसडर. मेरा काम था एक ब्रांड को प्रमोट, जब मैं कर रहा हूँ तो उस ब्रांड को प्रमोट करने के लिए एक ब्रांडेड बातें तो होनी चाहिए, क्वालिटी वाले बातें तो होनी चाहिए, जिससे लोगों को ये पता चले कि हाँ, एक ब्रांड को प्रमोट करने वाला एक ब्रांड आया है मार्केट में. धन्यवाद, बाय बाय, गुड IMC, सी यू लेटर.